क्या आप भी रोज रोज मटन खा के बोर हो गए हैं? तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। चिकन क्रिस्पी फ्राई, ये अंदर से एकदम जूसी होता है और ऊपर से जो उसकी कोटिंग है इतनी मजे के बनेंगे ना, इतनी ज़बरदस्त, तो शायद ही आपने पहले कभी खाया होगा। एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, काफ़ी मज़े के हैं। इंशाल्लाह घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं अक्सर इसी तरह से बनाया करती हूँ घर में, मेरे सभी को बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन बनाना किस तरह से देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए खुले बर्तन वाला बड़े साइज का बर्तन ले लेना है और उसके बाद हमें कुछ चटपटा सा मसाला पहले बनाएंगे हम। अक्सर लोग को देखे होंगे अपने चिकन पे ही डायरेक्ट कोटिंग कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें चटपटा सा मसाला पहले बनाना है। जैसे अभी देखिए चम्मच, बड़े साइज का चम्मच मैंने ली हूँ और वो चम्मच भर के हम लेंगे धनिया पाउडर और एक चम्मच मिर्ची पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। ये सूखे मसाले हमारे जाएंगे और इसी के साथ हम दो पिंच लेंगे रेड फूड कलर डालेंगे। दो पिंच से कलर काफ़ी अच्छा आएगा, तो ज़रूर से डालिएगा। उसके बाद हम बाइंडिंग के लिए या फिर सारे मसाले अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी और एकदम मसाले चिकन पे कोटिंग अच्छे से रहे उसके लिए हम डालेंगे दो चम्मच आरा रोट, आरा रोट या कॉर्न फ्लावर जो भी है आपके पास, दो चम्मच भर के, देखिए चम्मच उन चम्मच से भर के दो चम्मच आपको ले लेना है। तो बस ये डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच बेसन, बेसन से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो एक चम्मच ज़रूर से डालिएगा। और इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, ये घर का गरम मसाला है, इसके लिए हम आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। और इसी के साथ जाएगा आधा चम्मच नमक, नमक यहाँ पे हम कम ही डालेंगे ताकि बाद में टेस्ट करके बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसी के साथ हम लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, ये देखें आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली हूँ हाथ पर, इस तरह से हाथ पर लेना है और क्रश करके डालना है। ये हमारे हाजमे के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी टेस्टी आता है, इसके लिए ज़रूर से आधा चम्मच डालेगा और इस तरह से हाथ में क्रश करके डालेंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसी के साथ हम लेंगे एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, तो एक चम्मच हमें डालना है। और इसी के साथ हम लेंगे आधा नींबू का रस, अगर आधा नींबू का रस नहीं है तो विनीगर डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक चम्मच विनीगर ली हूँ। अगर विनीगर नहीं है आपके पास या फिर नींबू का रस नहीं है तो दोनों शक्ल पे ये दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। विनीगर ले ले तो एक चम्मच विनीगर डालेंगे और ये नींबू का रस डाल रहे हैं आप, तो आधा नींबू का रस जाएगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे एक चम्मच में विनीगर डाल रही हूँ, ये डालना ज़रूरी है, बस ये डालेंगे और इसके अलावा कोई और मसाला नहीं जाएगा। तो देखें ना आपने, ये मसाला सबसे पहले हमें इस तरह से ले लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि सारे मसाले सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फिर जब हम चिकन बाद में डालेंगे तो चिकन में अच्छे से कोटिंग होगा और सारे फ्लेवर का टेस्ट हमारा अच्छे से हमारे चिकन में मिलेगा हमें। नहीं तो कोई चिकन के ऊपर से जो डाल देते हैं ना, ऊपर से ही धनिया पाउडर सब मसाले डाल देते हैं ऊपर से, तो कहीं पे हल्दी दिखता है, कहीं चिकन में लगा हुआ, कहीं पे नमक दिखता है, तो समझ में आता नहीं है और वो सारा फ्लेवर हमको नहीं मिल पाता। तो जब भी कुछ ऐसा फ्राई आइटम बना रहे हैं तो इसी तरह से मसाला पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद नमक भी यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। तो नमक यहाँ पे मेरा परफेक्ट था और यहाँ पे मेरा चिकन है आधा किलो, चिकन के मैंने मीडियम साइज के पीस रखी हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से पीस रख सकते हैं बड़ा छोटा। और बस सभी को मसाले में अच्छे से मिक्स करना है, आपको देख के समझ में आ गया होगा इस तरह से मिक्स करने से क्या फ़ायदा होता है। और चिकन पे भी ऐसे रफ करते हुए और सारे मसाले अच्छे से कोटिंग हो जाएंगे हमारे चिकन में। इस तरह से जब भी कुछ फ्राई आइटम बनाए तो ज़रूर से इस तरह से मिक्स करें, जैसे कुछ भी बनाए मटन चिकन जो भी बनाए या वह फिश बनाए तो इसी तरह से मिक्स करके आप बनाया कीजिएगा, इससे ना काफ़ी मज़े का बनता है, सारे मसाले जो है फ्लेवर चिकन में अच्छे से कोटिंग हो जाते हैं। ज़रा सभी पसंद आ रही होगी रेसिपी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर किया कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर किया कीजिए कि कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी, अच्छी लग रही कि नहीं। इससे हमें यह मिलता है कि मतलब आगे रेसिपी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो मेरे को दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है। तो ज़रूर से इस तरह से किया कीजिए अपना कीमती रखें झाल। और ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसको डायरेक्ट मैं फ्राई करने जा रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ा ढककर रख दी जब तक तेल गर्म हो रहा है, बस इतना टाइम मैंने रेस्ट ली हूँ। और आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है
तो एक घंटा इसको रख दीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या फिर रात भर के लिए भी रख देंगे, रख सकते हैं आप फ्रिज में, ठीक है। बस तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल एकदम अच्छा गर्म हो जाए तो उसके बाद जितना आपकी कढ़ाई में आए बस उतना डाल के फ्राई कर लेना है। तो बस मेरे कढ़ाई में जितना आएगा मैं उतना डालूँगी, तो आधा इस टाइम आया और आधा बच गया था, तो मैं आधा बाद में फ्राई करूँगी, पहले आधा डाल देंगे और बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं इस टाइम। इस बात का खास ध्यान रखना, देखें आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे से कुक हो चुका है, साइड साइड से क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहा है, तो बस इस टाइम आपको साइड चेंज करना है, इससे पहले बिल्कुल छेड़ना नहीं है। और मसाला देख सकते हैं कितना अच्छा कोटिंग हुआ है और तेल हमारा बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल तेल में निकला नहीं है बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं, और अच्छे से इसको बस साइड टर्न करके भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। बस हाई फ्लेम पे ही रखना है और बस ये क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इतने मज़े के इतने टेस्टी बनते ना। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली बस इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही इंजॉय करना है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डालिएगा, थोड़ा सा ऊपर से गरम गरम पे ही चाट मसाला डाल दीजिएगा और फिर इंजॉय कीजिएगा, इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त थे ना, एक बार मेरे कहने पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। और बस ये देखें माशाल्लाह से दूसरे साइड का भी हो चुका है, तो बस इस तरह का क्रिस्पी हो जाए तो बस हमें इसे निकाल लेना, इसे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बन के तैयार है हमारा एक बैच, और दूसरा जो है इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँ, फ्राई कर लूँगी, ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरा भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा सभी फ्राई हो चुका है, मैंने सभी को फ्राई कर ली हूँ, बस इस तरह से फ्राई करके आप गरम गरम पर ही चाट मसाला डाल के इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन एक तड़का दे देंगे ना अगर इसके अंदर तो इतना मज़े का इतना ज़बरदस्त कोटिंग हो जाएगा ना, क्या ही बताऊँ। उसके लिए कुछ खास नहीं करना है आपको, यहाँ पे 4 से 5 लहसुन लेना है, लहसुन किस तरह से मोटा मोटा कट करना है, ना ज़्यादा मोटा है देखिए ना ज़्यादा पतला है, बस इस तरह से कट करना है लहसुन को। और हरी मिर्ची आपको जितना तेज स्पाइसी चाहिए वो हिसाब से हरी मिर्ची ले लें। तो मैं यहाँ पे 4 हरी मिर्ची को बीच से कट करके फिर 2 टुकड़ों में कट करके इस तरह से रख ली हूँ बस। उसके बाद हमें कड़ी पत्ता चाहिएगा, कड़ी पत्ता का फ्लेवर इतना टेस्टी इतना मज़े का होता है ना, तो कड़ी पत्ता ज़रूर से लीजिएगा। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ नहीं डालना है, बस ये 3 चीज़ लेना है। उसके बाद हम पैन चढ़ा लेंगे और पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के तेल, तो तेल हमें वही वाला यूज़ करना है जो हमने जिसमें चिकन फ्राई की उसमें थोड़ा तेल बच गया था, तो बस उसमें से ही 1 चम्मच आपको निकाल लेना है और पैन में डाल देना है और अच्छे से फैला देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से फैला देना है। उसके बाद हम लहसुन हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ये बस 3 चीज़ डालेंगे और इसके अलावा कुछ और नहीं डालना है। ये 3 का ही फ्लेवर इतना मज़े का इतना टेस्ट जब कोटिंग होगा ना उसके ऊपर जब आएगा ना, तो ये दो हमें मुझे ये खुद ही आप याद रखेंगे, इतना मज़े का लगता है। देखिए बस मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस इसे हल्का सा सॉटे करना है, कलर नहीं चेंज करना है ज़्यादा, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए क्योंकि इसे चिकन के साथ हमें अच्छे से थोड़ा कुक करना है, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। तो बस देखिए हल्का हल्का सा लहसुन में आ गया है कलर और हमारी मिर्ची भी हल्का हल्का सा फ्राई हो गया है, तो बस इसमें इसी टाइम हम डाल देंगे हमारा चिकन जो फ्राई करके हमने रखे हैं, बस वो चिकन डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा पैन को भी अच्छे से हिलाते हुए जैसा आपको जमे वो हिसाब से अच्छे से मिक्स करना है, तेल विल सारा चीज़ अच्छे से कोटिंग हो जाए बस इस तरह से आपको मिक्स करना है। और बस यहाँ पे ये करने से आपको इतना टेस्टी इतना फ्लेवरफुल आपको मिलेगा ये चिकन का कोटिंग ऊपर का कि क्या ही बताओ। तो बस ये इसको आपको ढक देना है इस टाइम और लो फ्लेम कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है लो फ्लेम कर देना है और ढक कर इसे हमें 5 मिनट के लिए छोड़ना है। बीच में थोड़ा चेक भी करके चेंज कर दीजिएगा साइड इसका, बस साइड थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद इसे इसी तरह से सिर्फ 5 मिनट आपको छोड़ना है लो फ्लेम पर, टाइम देकर 5 मिनट में बस छोड़ना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, कितने बवर्स पे कितने स्टीम बने हैं, सारे स्टीम वो चिकन के ऊपर कोटिंग में और सारे स्टीम फ्लेवर जितने ना सारे चिकन के ऊपर एक सॉप हो जाते हैं, मतलब एकदम जूसी बन जाते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा और अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस ऑफ कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन और हरी मिर्ची को हमने हल्का सा जो फ्राई किए थे ना, और ये जो 5 मिनट छोड़े ना इसमें सारा अच्छे से कुक हो चुका है और सारा फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो माशाल्लाह से बनके तैयार है, एक हैप्पी फेस के साथ इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं कितना जूसी बना है हमारा चिकन फ्राई, कितनी जूसी हुई है और ऊपर की कोटिंग का जो टेस्ट है क्या ही बताऊँ, बहुत ही लाजवाब है। और जब भी ट्राई कीजिएगा अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी।
बहुत ही मज़े का है। मेरे घर में सभी को माशाल्लाह से बहुत पसंद है, खास करके मेरे शोहर को बहुत पसंद है माशाल्लाह से। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अच्छा भी ट्राई कीजिएगा, अपना कीमती का ज़रूर से इजहार कीजिएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।